होली के दिन बड़ा हादसा हो गया। भस्म आरती के दौरान महाकाल मंदिर के गर्भगृह में आग लग गई, जिससे पुजारी समेत 14 लोग घायल हो गए, जिनमें से 6 लोग गंभीर बताए जा रहे हैं। घायल हुए लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जबकि गंभीर लोगों को इंदौर रेफर किया गया है। आगजनी आरती में जल रहे कपूर के भभकने से हुई, वही मामले में कलेक्टर नीरज सिंह ने जाँच के आदेश भी दे दिए हैं। तो देखिए, आज होली का त्यौहार, सुबह सुबह ही गर्भगृह में जब भस्म आरती चल रही थी, उसी दौरान ये हादसा हो गया, आग लगी थी। और बताया जा रहा है कि ये आग बढ़ गई, उसके बाद 14 लोग जो है इसमें झुलसे हैं। और इसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर, जहां महाकाल मंदिर में आग पर सीएम ने संज्ञान लिया है। भस्म आरती के दौरान हुई घटना जो है दुखद रही है, सीएम ने कहा। उन्होंने कहा कि मैं प्रशासन के संपर्क में हूं और सब कुछ नियंत्रण में है। बाबा महाकाल से प्रार्थना है कि सभी जल्दी ठीक हो जाए। और महाकाल मंदिर में लगी आग में आपको बता दें कि 14 लोग झुलसे थे। सीएम मोहन यादव ने ट्विटर पर लिखा है कि आज सुबह बाबा महाकाल मंदिर के गर्भगृह में भस्म आरती के दौरान हुई दुर्घटना दुखद है। मैं सुबह से ही प्रशासन के संपर्क में हूं, सब कुछ नियंत्रण में है। बाबा महाकाल से प्रार्थना है कि सभी घायल जल्द से जल्द पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएं। देखिए, आज जो घटनाक्रम हुआ उज्जैन में, उसके बाद मोहन यादव ने भी ट्वीट किया है। गर्भगृह में उज्जैन महाकाल मंदिर में जो चांदी की दीवार लगी रहती है, जो पर्दे रहते हैं, उसको कपड़े से ढक करके रंगों से वो खराब नहीं हो जाए, इसका गर्भगृह में प्रबंधन करते हैं। इस और वहीं आरती के बाद जब ये गुलाल डाला गया तो आरती से थाली पलटी है या कपूर भपक गया केमिकल से, वो पता नहीं क्या कारण रहा है। तो अंदर गर्भगृह के कुछ पुजारी हमारे घायल हुए हैं, तो उन पुजारियों से मिलने के लिए मैं पहले इंदौर जा रहा हूँ, फिर उज्जैन जा रहा हूँ। सभी ने कहा कि आप चिंता करिए और भगवान सबको स्वस्थ करे, क्योंकि बड़ी घटना टली है। भगवान ने बचाया बाल बाल, कुछ बड़ा भी हो सकता था, क्योंकि एकदम अंदर से जो चांदी के अंदर पर्दे के साथ लगी हुई जो दीवार रहती है, उसको बचाने के चक्कर में मैंने, लेकिन इसकी जुडिशियली जांच के लिए कलेक्टर से कहा, इसकी न्यायिक जांच कराए। वही गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीएम मोहन से बातचीत की है। महाकाल मंदिर हादसे पर सीएम से उन्होंने जानकारी ली। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने दुख जताया और घायलों को मदद और इलाज करवाया जा रहा है, ये जानकारी दी है। बाबा महाकाल घायलों को जल्द स्वस्थ करे, अमित शाह ने कहा। तो अमित शाह ने एक्स पर लिखा है कि उज्जैन के श्री महाकाल मंदिर में आग लगने की घटना के संबंध में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से बातचीत करके जानकारी ली है और स्थानीय प्रशासन और घायलों को सहायता व उपचार उपलब्ध करवा रहा है। मैं बाबा महाकाल से घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। तो वहीं सीएम मोहन यादव ने घायल से मुलाकात भी की है। घायलों से मुलाकात करने के लिए वो पहुंचे थे और उनका हालचाल भी जाना है। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी उनके साथ मौजूद रहे। महाकाल मंदिर में आरती के दौरान आग लगी थी और भस्म आरती के दौरान इस आग में 14 लोग झुलस गए थे। तो आपको एक बार फिर से बता दें, आज बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में महाकाल मंदिर के गर्भगृह में आग लगी थी, जिसमें 14 लोग झुलसे, जिस पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी संज्ञान में लिया है और लगातार वो संपर्क में है। और ये देखिए, वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जब अस्पताल में मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे और इस पूरे घटनाक्रम में जो घायल हुए थे उनसे मुलाकात उन्होंने की है, उनका हालचाल भी जाना है। और साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह की बात की जाए तो उन्होंने भी इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव से बातचीत की है और इस मामले की जानकारी ली है। साथ ही साथ सभी घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी मौके पर मौजूद हैं। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए, उज्जैन से ललित और इंदौर से समीर खान हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले ललित का रुख कर लेते हैं। ललित, इस पूरे मामले की बात की जाए तो मुख्यमंत्री ने खुद संज्ञान भी लिया है और साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह की बात की जाए तो उन्होंने भी इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री से बातचीत की है। अभी हाल फिलहाल की बात की जाए तो ताजा जानकारी आपके पास क्या है? जी, इस घटना में जो लोग घायल हुए थे, 14 लोग घायल हुए थे, उसमें से दो को मामूली चोट आई थी,
बाकी 12 घंटे उसको ज्यादा लगे थे, उसमें 6 की कंपनी देखते हुए इंदौर रेफर किया गया था, जबकि 6 लोग जिला अस्पताल में भर्ती है। इस घटना का पता चलता है यहाँ पर राजनीति भी शुरू हो गई है। भाजपा प्रत्याशी जो लोकसभा के है अनिल खेड़ा जी, वो भी घायलों का हालचाल देखने गए थे। वही कांग्रेस प्रत्याशी महेश परमार वो भी अस्पताल पहुंचे और हालचाल जानना, साथ में कांग्रेस अध्यक्ष भी थे। इन लोगों ने मांग की है कि इस घटना के लिए कलेक्टर को मंदिर प्रशासक दोष है, इन दोनों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही इनकी मांग है कि जो घायल हुए उन सबको मुआवजा दिया जाए, अगर ऐसा नहीं होता है तो कांग्रेस सड़क पर उतर कर आंदोलन करेगी। हालांकि अभी यहाँ पर जिला अस्पताल में मुख्यमंत्री के आने की चर्चा है कि कुछ ही देर में मंदिर मुख्यमंत्री जी पहुंचने वाले हैं और उसको लेकर यहाँ पर तैयारी की जा रही है। पुलिस प्रशासनिक अधिकारी जिला अस्पताल में मौजूद है। चलिए दोबारा आपके पास लौटेंगे ललित, समीर का रुख कर लेते हैं। समीर देखिए, जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं उनका इंदौर के अस्पताल में इलाज चल रहा है, कितने लोग हैं जिनका इलाज चल रहा है और अभी उनकी स्थिति क्या बताई जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए इंदौर में जो है उज्जैन में जो 14 लोग घायल हुए थे उसमें से 8 लोगों को इंदौर रेफर किया गया था। उसका जो इंदौर में उज्जैन रोड पर अरविंदो अस्पताल है उस अस्पताल में जो है इनका उपचार चल रहा है और कुछ देर पहले ही मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव इंदौर पहुंचे हैं। जिस तरह से भोपाल में उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया, पूरी घटना की जानकारी दी ऋतु, और उन्होंने जो बताया कि जो गर्भगृह में जो है जिस समय जो कपूर था उसमें आग लगाते टाइम समय यह हादसा हुआ है। हालांकि उन्होंने कहा इस पूरे मामले की जो है उच्च स्तरीय जांच की जा रही है। इस पूरे ही घटनाक्रम में हम ये अगर बात करें तो यहाँ पर इंदौर में भी जो है यहाँ पर जहाँ पर उनको भर्ती कराया गया है सामान्य वार्ड है यहाँ पर भर्ती कराया गया है और सभी के हालचाल को लेकर अरविंदो प्रशासन के जो डॉक्टर्स हैं उनका कहना है कि उनकी स्थिति खतरे से बाहर है। हालांकि जो है इस दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ मध्यप्रदेश के कैबिनेट मंत्री नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और इसके अलावा जो है मध्यप्रदेश के ही मंत्री तुलसी सिलावट भी इंदौर के अरविंदो अस्पताल पहुंचे। जो सांसद और वर्तमान में लोकसभा के प्रत्याशी हैं शंकर लालवानी वो भी जो है अरविंदो अस्पताल पहुंचे। सभी के द्वारा जो है डॉक्टर से बात भी की गई। मुख्यमंत्री ने खुद इस पूरे मामले में जो है घायलों का हाल जानने के साथ साथ जो इतने भी डॉक्टर्स हैं उनसे बातचीत की है, बातचीत करके इस पूरे ही मामले में जो है गंभीरता पूर्वक जो है समझाए और उन्होंने कहा है कि घायलों को इलाज के लिए जो भी हर संभव मदद हो राज्य सरकार तैयार है। तो इस पूरे घटनाक्रम में एक दुखद हादसा हुआ है। होली के दिन जो खुशियों का दिन होता है और महाकाल मंदिर की होली जो है विश्व प्रसिद्ध है और उस दौरान अगर यह हादसा होने के बाद जो है हम ये कहें उन्दे उज्जैन और इंदौर संभाग में दुख का माहौल जो है व्याप्त है। चले समीर दोबारा लौटेंगे, ललित का एक बार जल्दी से रुख कर लेते हैं। ललित देखिए, कलेक्टर ने भी मामले में जांच के आदेश दिए हैं, क्या जांच शुरू हो गई है? नीरज सिंह ने यह बताया था कि भाई इस मामले में जांच की जाएगी, लेकिन चूंकि अभी सीएम आ रहा है तो इस जो अभी तक है घटना किस तरह की गई ये पता नहीं चल सका है, इसमें जांच का गोला जरूर, लेकिन अभी तक इस मामले में तो जांच की पहल शुरू नहीं हुई है। हालांकि यह पता चला है कि आज किस तरीके से, लेकिन बताया गया कि भस्मा आरती के समाचार के समय में जब आरती की जा रही थी कि थाल में कपूर डाला गया था, उस कपूर के ऊपर गुलाल बैठने के दौरान जो शिवलिंग के ऊपर होने से बचाने के लिए फ्लेक्स लगाया गया था उसमें आग पकड़ी, उसी से आग लगी थी, लेकिन अभी उसको अधिकृत नहीं कहा जा सकता। चलिए समीर, एक सवाल ये था कि जैसा कि आपने बताया कि 8 लोग इंदौर रेफर किए गए हैं जिनका इलाज अभी चल रहा है और स्थिति खतरे के बाहर बताई जा रही है, क्या ऐसी कोई जानकारी है कि और भी लोगों को रेफर किया जाएगा? और मुख्यमंत्री की बात की जाए तो अस्पताल में कितनी देर तक वो मौजूद थे और मरीजों का हालचाल उन्होंने जाना? जी बिल्कुल, देखिए मतलब हम ये कहें कि जो मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री है मोहन यादव जो है भोपाल से वो सीधे जो है यहाँ पर इंदौर पहुंचे थे और यहाँ पर वो काफी लंबा समय जो है उन्होंने यहाँ पर व्यतीत किया, घायलों से हालचाल जाना ही जाना, साथ ही साथ तमाम जो उनका उपचार करने वाले डॉक्टर्स है उनसे उन्होंने बातचीत की और बातचीत कर उन्होंने ये कहे कि तमाम निर्देश भी दिए। जो अरविंदो अस्पताल है वो अरविंदो अस्पताल मध्यप्रदेश के इंदौर शहर का एक बड़ा अस्पताल है और उज्जैन रोड पर ही मौजूद है। यही वजह है कि तमाम घायलों को जो है जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाने के लिए अरविंदो अस्पताल में जो है उपचार के लिए भर्ती कराया गया और सभी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। इंदौर के कलेक्टर है आशीष सिंह, उनके द्वारा भी जानकारी दी गई है कि इस पूरे मामले में अगर और भी घायलों को यहाँ पर लाया जाता है तो अरविंदो अस्पताल और अरविंदो अस्पताल के साथ साथ जो इंदौर में बॉम्बे हॉस्पिटल है वहां पर भी पर्याप्त जो है व्यवस्था की गई है प्रशासन के द्वारा, डॉक्टर्स की टीम के द्वारा, जहां भी जो भी जरूरत होगी घायलों के उपचार के लिए इंदौर का जो चिकित्सा विभाग है वो पूरी तरह से तैयार है। मतलब साफ है कि आगजनी की घटना के बाद जो है इंदौर प्रशासन ने भी जो है तत्परता दिखाई है और तमाम घायलों का इंदौर में जो है अरविंदो अस्पताल में उपचार चल रहा है और सभी घायल वहां पर खतरे से फिलहाल तो
बाहर बताए जा रहे हैं। जो मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री है कैलाश विजयवर्गीय और तुलसी सिलावट, जैसे हमने कहा, वो भी पहले ही पहुंच गए थे मुख्यमंत्री के यहाँ पहुंचने से पहले ही। उन्होंने भी तमाम जो है यहाँ पर घायलों की जो है स्थिति का जायजा लिया था। साथ ही साथ मीडिया से बात करते हुए उन्होंने भी यही कहा कैलाश विजयवर्गीय ने कि सभी का जो है खतरे से बाहर है, तमाम घायल और सभी का उपचार जो है इंदौर में किया जा रहा है। तो चलिए, ये अच्छी बात है कि इंदौर में जितने भी गंभीर रूप से घायल हुए थे उनका इलाज चल रहा है और स्थिति अभी खतरे से बाहर बताई जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।